बार पेट्रोलियम कंपनियों ने रसोई गैस के दाम में फिर की बढ़ोतरी। मेघालय के राज्यपाल के सुरक्षा काफले पर हमला, चेरिस्टर फील्ड थांग की मौत पर हिंसा, मेघालय में हो रहे विरोध प्रदर्शन। कानपुर में सपा विधायक ने दर्ज कराया मुकदमा, अवैध तरीके से गिराया फैक्ट्री। लखनऊ में ई रिक्शा चालक की पुलिस ने की पिटाई, चालक पर डंडों से थर्ड डिग्री हुआ टॉर्चर। शाहजहांपुर में पुलिस ने 15 बाल मजदूरों को मुक्त कराया, मूंगफली के गोदामों में 15 बाल मजदूरों को कराया गया मुक्त। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की खास बुलेटिन पर। अफगानिस्तान के हालात को लेकर पीएम आवास पर बड़ी बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की सकुशल वापसी सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी ने कहा कि भारत आने वाले हर अल्पसंख्यक की मदद की जाएगी। प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों को आने वाले दिनों में अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकासी सुनिश्चित करने के सभी आवश्यक उपाय करने का निर्देश दिया। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि भारत को न केवल अपने नागरिकों की रक्षा करनी चाहिए, बल्कि हमें उन सिख और हिंदू अल्पसंख्यकों को भी शरण देनी चाहिए जो भारत आना चाहते हैं, और हमें हर संभव मदद भी करनी चाहिए। मदद के लिए भारत की ओर देख रहे हमारे अफगान भाइयों और बहनों की मदद की जाए। अफगानिस्तान में तालिबान के नियंत्रण के बाद स्थिति काफी बदतर हो चुकी है। एक ओर जहां विदेशों से मिल रही सहायता पर रोक लगा दी गई है, वहीं ज्यादातर देशों में अपने दूतावास खाली कर दिए गए हैं, तो दूसरी तरफ लोग जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश में लगे हैं। इस बीच अफगानिस्तान के काबुल 150 भारतीय स्वदेश लौटे हैं, जिनको लेकर भारतीय वायुसेना का C-17 विमान गुजरात से जामनगर में उतरा। इस दौरान वापस लौटे एक भारतीय नागरिक का कहना है कि अफगानिस्तान में लोगों के बीच तालिबान की काफी दहशत है। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी को तेज बुखार हो गया था, रात 8 बजे से सुबह 6 बजे काबुल में कर्फ्यू था, और यह उनके लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है। वह सबसे पहले भारतीय दूतावास और फिर हवाई अड्डे पहुंचे थे। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने महिला न्यूज एंकरों को बैन कर दिया है। सरकारी न्यूज चैनल की महिला न्यूज एंकर को तालिबान नौकरी से हटा दिया गया है। अब तालिबानी एंकर टीवी पर न्यूज पढ़ेंगे। खदीजा अमीना नाम की एक महिला सरकारी न्यूज चैनल में एंकर थी, उनको भी हटा दिया गया है। एक दिन पहले ही तालिबान ने कहा था कि महिलाओं के हितों की रक्षा होगी। अब तालिबान कह रहा है कि सिर्फ शरीयत कानून के तहत ही महिलाओं को काम करने की इजाजत है। नौकरी से हटाए जाने के बाद अफगान न्यूज एंकर खरीदा अमीना ने कहा, मैं क्या करूंगी, अगली पीढ़ी के पास कुछ काम नहीं होगा, 20 साल में जो कुछ भी हासिल किया सब चला जाएगा, तालिबान वो नहीं जो बदले हैं। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के एस्कॉर्ट वाहनों पर शिलांग में हमला हुआ है। राज्यपाल के सुरक्षा काफले पर हमला तब हुआ जब वे गुवाहाटी एयरपोर्ट से लौटकर मवलाई हाईवे पर भी आगे बढ़ रहे थे। बदमाशों ने वाहनों को निशाना बनाकर पथराव किया, जिसकी वजह से कुछ गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना सामने नहीं आई है। प्रतिबंधित उग्रवादी समूह हिनीवट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिलिंग के पूर्व नेता चैटरफील्ड थांग क्यू की मौत के बाद से मेघालय में पिछले कुछ दिनों से अशांति का माहौल है। थांग क्यू ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है, जिसके बाद उसका एनकाउंटर हो गया है। एनकाउंटर के बाद से ही मेघालय में अशांति है। 15 अगस्त को मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड ने से संगामा के आवास पर पेट्रोल बम फेंके गए थे। वाहन सवार हमलावरों ने शिलांग में ही मुख्यमंत्री के निजी आवास पर 2 मोलोटोव कॉकटेल की बोतलें फेंकी थी।
पेट्रोलियम कंपनियों ने रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। बिना सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 25 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। इस बढ़त के बाद दिल्ली में घरेलू इस्तेमाल वाले 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर का दाम 859.5 रुपए हो गया है। यह बढ़त सोमवार रात से ही लागू हो गई है। कोलकाता में 14.2 किलो का एलपीजी सिलेंडर 886 रुपए का है, मुंबई में 859.5 रुपए का और लखनऊ में 895.5 रुपए का हो गया है। इसी तरह 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर का दाम भी 66 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में इसका दाम बढ़ाकर 1,618 रुपए हो गया है। गौरतलब है कि तेल कंपनियां हर महीने की पहली और 15 तारीख को रसोई गैस के दाम में समीक्षा करती हैं। इसके पहले 1 जुलाई को तेल कंपनियों ने रसोई गैस सिलेंडर के दाम 25 रुपए की बढ़त की थी। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी की अवैध तरह से फैक्ट्री गिराए जाने के बाद सपा विधायक के एनएचएआई की परियोजना निदेशक प्रशांत द्विवेदी ने मुकदमा दर्ज कराया है। फेसबुक में पोस्ट वीडियो के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद सपा विधायक ने वीडियो जारी कर कहा कि ये दमन की कार्रवाई है। पहले अवैध तरीके से बिना मुआवजा का निस्तारण किए, फिर फैक्ट्री तोड़ दिए और अब मुकदमा लिखकर उल्टा पीड़ित का ही उत्पीड़न किया जा रहा है। हम समाजवादी हैं, इस उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस अन्याय के खिलाफ संघर्ष करेंगे। मुझे समाचार चैनलों के माध्यम से मालूम पड़ा कि मेरे ऊपर 504-506 का मुकदमा थाना बिजनौर में दर्ज कराया गया। वस्तु स्थिति ये कि पीड़ित भी मैं हूँ और मुकदमा भी मुझ पर ही हो रहा है, क्योंकि कल मैंने जो अवैध रूप से मेरी फैक्ट्री का निर्माण तोड़ा गया था उसको लेकर तहरीर भिजवाई थी बिजनौर थाने में। तहरीर ली गई लेकिन मेरा मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करके मेरे ऊपर दमनी कार्रवाई की जा रही है जो कि बहुत निंदनीय है। ये तो वही कहावत है कि जबरा मारे और रोने भी ना दे और रोए तो बार बार मारे। हम लोग इस दमन को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। समाजवादियों ने हमेशा हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ा है, इसलिए हम लोग इस लड़ाई को आगे भी लड़ेंगे। इन बेईमान शाजापुर में पुलिस ने आल्हागंज क्षेत्र में मूंगफली गोदामों से बाल मजदूरी कर रहे 15 बच्चों को मुक्त कराया। पुलिस अधीक्षक एस आनंद के निर्देश पर जिले में बाल श्रमिकों को बाल मजदूरी से मुक्त कराने के लिए इंद्र कुमार प्रभारी थाना ASTU की आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में इंद्र कुमार प्रभारी थाना ASTU हमराही और लेबर ऑफिसर घनश्याम वर्मा और लेबर ऑफिसर भूरे लाल के साथ संयुक्त कार्रवाई से थाना आल्हागंज क्षेत्र में मूंगफली की गोदामों से 15 बाल मजदूरों को चिन्हित कर बाल मजदूरी से मुक्त कराया। प्रतिष्ठान मालिकों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा रही है। मुक्त कराए गए बाल मजदूरों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। लखनऊ पुलिस का एक बार फिर बर्बर चेहरा सामने आया। अलीगंज के बाद अब चौक थाने की पुलिस सुर्खियों में है। इस बार ई रिक्शा चालक को पुलिस द्वारा जमकर पिटाई करने का मामला सामने आया है। बता दें कि सवारी बैठाने पर लगे मामूली जाम के चलते दरोगा ने ई रिक्शा चालक पर लाठी डंडे बरसाए। वहीं परिजनों का आरोप है कि नक्खास चौकी दरोगा संजय ने पीड़ित पर डंडे से थर्ड डिग्री टॉर्चर किया। पिटाई से हालात बिगड़ने पर पुलिस ने घर वालों से संपर्क कर ई रिक्शा चालक को सौंप दिया, जिसके बाद परिजनों ने पीड़ित को बलरामपुर हॉस्पिटल में भर्ती कराया और अब न्याय की गुहार लगाई है। जो है रिक्शा चला रहा था लगे गया मेडिकल कॉलेज चौराहे के ऊपर, ये किरासिंग चौराहे पास मेडिकल कॉलेज वाली, और यहाँ पर तुम जो है सवारी उतारने लगा। सवारी उतारते में पहुँचा था ना दरोगा और मारा तो इसने कुछ सुफियान ने कुछ बात कही या गाली बकाई का क्या क्या, उसके बाद दौड़ा करके इनको पकड़ के इतना मारा 12:30 बजे से और शाम को 4 बजे तक मारता रहा हो, और हाथ सारे हाथ ने जला दिया। किसने? दरोगा ने। संजय। सोनभद्र में रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के मेहुड़ी पुल पर दो मोटरसाइकिल पर सवार 5 बदमाशों के द्वारा एक व्यक्ति को गोली मारने का मामला सामने आया है। बता दें कि नकाबपोश बदमाश पीछा करते हुए मेहुड़ी पुल के पास पहुंचे और साइकिल से अपने घर जा रहे 40 साल के व्यक्ति के साथ मारपीट करने लगे।
वहीं जब राजेश नाम का व्यक्ति वहां से भागने का प्रयास करने लगा तो बदमाशों ने उस पर गोली चला दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं उसे आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद वाराणसी ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। देखिए, घटना के बारे में नहीं बता पाऊंगा। गोली का मरीज आया था उसके दाहिने कंधे में, गोली की संभावना है, मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूं क्योंकि एक्सरे अभी नहीं हो पाया। गोली मतलब घुसने का छेद है लेकिन निकलने का छेद। जौनपुर के मछली शहर के बाईपास चौराहे पर एसटी बिजली तार से बच्चे झुलस गए। तार की चपेट में आने से 3 बच्चे झुलस गए हैं। वहीं इस हादसे में एक मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई है। आक्रोशित परिजनों ने जमकर हंगामा किया, जौनपुर रायबरेली मार्ग पर जाम लगाकर हंगामा किया। परिजनों की मांग है कि बिजली विभाग पर कार्रवाई की जाए। आज के उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।